दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा देश के प्रधान सेवक के रूप में ही काम किया है। उन्होंने देश के हर एक तबके से सीधा संबंध बनाते हुए हमेशा उनके हित की बात की है। उनकी परेशानियों को जाना है और उनकी परेशानियों का निवारण करने के लिए अनगिनत योजनाएं लेकर आए हैं। जब इतना सब अपने देश और देशवासियों के लिए किया है तो जनता भी मोदी और उनकी नीतियों को अपनाने में पीछे नहीं रहती। इसलिए तो मोदी मंच से कहते नहीं थकते कि उन्हें तो पूरी 130 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और जनता अपने स्नेह और अपने आशीर्वाद से उन्हें हारने नहीं देगी। तो एक तरफ पीएम मोदी के लिए जनता का असीम प्यार, उसके बाद उनके कामकाज का प्रभाव, उनके 5 साल के कार्यकाल से सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि कई अन्य पार्टियों के नेता भी प्रभावित हैं। वो भी कुछ इस तरह कि वो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी के पाले में जाने का मन बना बैठे हैं। दीदी के पश्चिम बंगाल में तो हालत कुछ ऐसी ही है। फिर ये किसी से छिपा भी नहीं है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर कैसे पूरे विपक्ष को साथ लाने की एक बड़ी कोशिश की थी। 42 में से 34 सीटें पाने वाली ममता बनर्जी ने विपक्षी महागठजोड़ में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना मजबूत दावा भी पेश किया था और बीजेपी उत्तर भारतीय राज्यों में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई बंगाल से करना चाहती है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में टीएमसी के टिकट पर 4 बार भाटपाड़ा से जीतने वाले विधायक अर्जुन सिंह टीएमसी से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए और एक सनसनीखेज दावा कर दिया। दावा भी ऐसा कि सीएम ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। अर्जुन सिंह के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के करीब 100 विधायक बीजेपी के पक्ष में अपना पाला बदलने का मन बना बैठे हैं, जो कि नियमित तौर पर बीजेपी के संपर्क में है। कुछ विधायक चुनाव से पहले तो कुछ विधायक चुनाव के बाद बीजेपी का दामन थामने के लिए तैयार बैठे हैं। फिर जब अर्जुन सिंह से टीएमसी सरकार के मंत्रियों के बारे में भी सवाल किया गया तो उन्होंने ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ ये कहा कि इससे सरकार के मंत्रियों की परेशानी बढ़ सकती है और उन्हें निशाना भी बनाया जा सकता है। मेरी टिप्पणी से उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से बेदखल भी किया जा सकता है। अर्जुन सिंह का ये दावा करना था और टीएमसी का इस पर बौखलाना था। टीएमसी ने अर्जुन सिंह को चिकित्सक से मिलने की सलाह दी है। एक तरफ अर्जुन सिंह 100 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का दावा कर रहे हैं, वहीं तृणमूल के 5 पूर्व नेताओं में से 4 पहले से ही बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें बोलपुर के निवर्तमान सांसद अनुपम हाजरा, जो जादवपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमाएंगे, तो वहीं बिश्नुपुर के निवर्तमान सांसद सौमित्र खां को उसी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं विधायकों के पाला बदलने का दावा करने वाले अर्जुन सिंह को बैरकपुर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं टीएमसी के एक और नेता निशीथ प्रमाणिक को बीजेपी ने कूच बिहार से मैदान में उतारा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं और 295 विधानसभा सीटें। अब अगर अर्जुन सिंह की माने तो टीएमसी के 100 विधायक बीजेपी में शामिल होने का मन बना चुके हैं और वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लोकसभा चुनाव 2019 के लिहाज से पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से कम 23 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर चुके हैं। बीजेपी पहले ही कूच बिहार, अलीपुरद्वार, रायगंज, बलूरघाट, दक्षिण मालदा, मुर्शिदाबाद, कृष्णा नगर, राणाघाट, बसीरहाट, बैरकपुर, आसनसोल, पुरुलिया, झारग्राम, बांकुरा और मिदनापुर जैसी संसदीय सीटों पर तृणमूल के साथ सीधी टक्कर की बात कह चुकी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष के मुताबिक राज्य के सीमावर्ती इलाकों की तेजी से बदलती जनसांख्यिकी और घुसपैठ की वजह से जो सांप्रदायिक दंगों की संख्या बढ़ी है, इसने बीजेपी को राज्य में टीएमसी का दूसरा सबसे बड़ा विकल्प होने की वजह बना दिया है। हालांकि तृणमूल महासचिव पार्थ चैटर्जी ने राज्य में किसी भी तरह की बीजेपी की बढ़त से इनकार किया है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अर्जुन सिंह के दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि अर्जुन सिंह का दावा सीधा सीधा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लक्ष्य को प्रभावित करता है। और जब एक राज्य में 2 पार्टियों ने साम दाम दंड भेद का सहारा लेते हुए पूरी जान चुनाव में झोंकी हुई हो तो लगता है कि प्यार और जंग की तरह राजनीति में भी सब कुछ जायज है। ये जो चुनाव आने वाला है 2019 के अंदर, वो चुनाव
कोई पार्टी को बदलने के लिए, कोई पार्टी को चालू रखने के लिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है। देश के लिए हो सकता है कि चुनाव मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो, मगर बंगाल के लिए नहीं है। बंगाल के लिए चुनाव सोनार बांग्ला के निर्माण का चुनाव है, सोनार बांग्ला की कल्पना को सिद्ध करने का। कोई भी प्रदेश हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो जब तक समृद्ध नहीं होता, जब तक वहां पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं होती। बंगाल के अंदर भी पुराना बंगाल हमें चाहिए, रविंद्र संगीत से गूंजता हुआ बंगाल चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन की आवाज फिर से एक बार सुननी है, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से उनके पैदल विचरण से सुगंधित बंगाल चाहिए, तो बंगाल के अंदर मित्रों लोकतंत्र मजबूत करना पड़ेगा, इसके अलावे नहीं होगा। आज मैं बंगाल की जनता को कहने आया, किसी राजनीतिक दल को प्रचार करने का अधिकार है या नहीं है बताइए भैया, जोर से बोलिए है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 5 रथ लेकर पूरे बंगाल के गांव गांव में जाना चाहते थे, आपके पास आना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि आप यहां आओ, हम चाहते थे हम आपके घर पर आपके गांव में आए, मगर हमें आने नहीं दिया, बंगाल की जनता से मिलने नहीं दिया। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ममता दी, आपके बहरे कान खोल कर सुन लो, जितना रोकना चाहोगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर, गांव गांव जाकर कमल का संदेश देंगे। आप हमें रोक नहीं सकती हो, ये देश में लोकतंत्र है। और आप ये भी सुन लो, मुझे बताया गया यहां के एडीएम ने कोई बसे रोकी नहीं, कल आधी रात को उसका ट्रांसफर कर दिया। अरे एडीएम पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो ममता जी? गुस्सा निकालना तो हम यहां खड़े हैं, सीना चौड़ा कर खड़े हम नहीं डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप जितनी ट्रांसफर करनी है इतनी कर लो, बंगाल की जनता तक जाकर बंगाल में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करेंगे करेंगे और करेंगे, आप रोक नहीं सकते। और अगर आप एडिशनल डीएम डीएम पुलिस वालों का ट्रांसफर करना चाहती हो, तो एक दिन ऐसा आएगा, हर जगह ऐसी भीड़ होने वाली है, सुन लो ममता दीदी, एक दिन ऐसा आएगा कि बंगाल में कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही नहीं रहेगा। सबका ट्रांसफर करोगी क्या? आप नहीं कर सकते। बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के 65 से ज्यादा कार्यकर्ता मार दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं बंगाल की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों होती? क्या गुनाह है उनका? उनका गुनाह इतना ही है कि ममता जी की सिंडिकेट का हम विरोध करते हैं, उनके भ्रष्टाचार का हम विरोध करते हैं, उनके परिवारवाद का हम विरोध करते हैं, उनके लोगों के द्वारा किए गए बम धमाकों का हम विरोध करते हैं, इनके द्वारा फैलाई गई अराजकता का हम विरोध करते हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया है। और कितने दिन करोगे? परमिशन नहीं देना, यात्रा ना निकलना, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देना, कार्यकर्ताओं की हत्या कर देना। ममता दी, मेरी बात ढंग से सुनकर रखना, मई के अंत में लोकसभा का काउंटिंग होगा, सुबह 9 बजे काउंटिंग शुरू होगा, 10 बजे तक पहला राउंड, 11 बजे तक तीसरा राउंड, 12 बजे तक पांचवा राउंड, 1 बजे काउंटिंग खलास, और ये 2 बजे ममता बनर्जी की सरकार। ये बंगाल
ये पश्चिम बंगाल इस बार नरेंद्र मोदी के साथ जाने का फैसला कर बैठा है। मैं जहां ही जाता हूं हजारों लाखों की भीड़ दिखाई देती है। मित्र, भारतीय जनता पार्टी